हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद संगीता झा। आज हम बना रहे हैं चने दाल के पकौड़े। इसके लिए मैंने थोड़ी से एक कप के लगभग चने का दाल लिया है। इसको अच्छे से रात भर धो के भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने इसे छन्नी में छान लिया ताकि इसमें पानी ना रहे। पानी अगर थोड़ा सा भी रहता है तो थोड़ा पकौड़े को बनाने में मुश्किल होती है। इसके लिए मैंने इसको छन्नी से छान के चने के दाल मिक्सर जार में रख दिए हैं। और 4-5 लहसुन की कलियाँ और अदरक, इन सबको डाल के अच्छे से दरदरा पेस्ट कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो ही पानी डालिए, नहीं तो ये ऐसे ही पिस जाता है। इन सबको अच्छे से निकाल लेंगे बाउल में। बाउल में निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, आधा टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून रेड चिली मैंने इसमें डाला है। आप मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है इसलिए थोड़ा सा आप अपना टेस्ट को अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी करी पत्ते भी इसमें डाल दिए हैं, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको डाल के अच्छे से फेंटेंगे। आप दाल को जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना अच्छा ये पकौड़े बनेंगे, क्योंकि उतने ही हल्के होंगे जब इसमें एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा फेंटना ज़रूरी होता है। अच्छे से फेंटने के बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच चावल का आटा डाल देंगे। चावल का आटा डालने से ये और भी करारे बनेंगे। इन सबको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा और फेंटेंगे। फेंटने के बाद ये देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके इसको अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद हम ऑयल गरम करेंगे पैन में, और थोड़ा सा ऑयल गरम किया हुआ 1 चम्मच के लगभग इसमें डाल लेंगे। इससे जो हमारे पकौड़े हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऑयल को इसमें बैटर में। मिक्स करने के बाद ये गरम ऑयल में हम इसको छोटे छोटे डाल लेंगे, और पकौड़े जो हैं वो 2 से 3 मिनट आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं तो टूट जाएगा। इसको छोड़ने से ये खुद ही तेल से ऊपर आ जाएगा। ये इतना हल्का होगा कि ये खुद ही ऊपर आ जाएगा। फिर आप इसको दोनों साइड से उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लीजिए। ये हमारा जो पकौड़ा है दाल का वो बनकर तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना गोल्डन ब्राउन मैंने इसको किया है, क्रिस्प एकदम लग रहा है। चावल के आटे डालने से ये बहुत ही करारे बनेंगे। एक बार आप इस तरह से ट्राई करके देखिए। अब मैंने थोड़े से बड़े शेप में भी पकौड़े बनाए हैं, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। चने दाल के बड़े जो हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के भी मिलते हैं, तो आप ऐसे भी बना के ट्राई कर सकते हैं। एक बार आप इस तरह से ट्राई कीजिए, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारा पकौड़ा बनकर तैयार है। इसको फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइए।